नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्यूस सलाद पत्ता गांठ गोभी पत्ता गोभी नारंगी हरे रंग की ब्रोकली गोभी पुदीना पालक हल्दी दो तीन किस्म की मिर्च टमाटर बेलदार सब्जियों के अलावा कुष्मांड कुल की सब्जियां, बैंगन प्याज मिर्च गोभी गेंदा गुलाब टमाटर सहित अनेक सब्जियों एवं फुलवारी के पौधों की नर्सरी। क्या आप सोच सकते हैं यह सारा काम कितने बीघा में होगा? महज 2 बीघा में कई तरह की सब्जियों के साथ पौध तैयार कर बेचकर एक परिवार साल में 5 लाख रुपए कमाई करता है। इतने छोटे से खेत में पानी संग्रह के लिए छोटी सी पकी डिगी स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकल पाइप्स के जरिए पौधों की बूंद बूंद सिंचाई करते हैं चक दो ही छोटी के ओम प्रकाश घोड़ेला और उनका परिवार। डिगी पर सोलर पंप केंचुआ खाद तैयार करने का अलग से प्लांट, भूमि भी सबसे अलग निराली, खेत का 1 इंच भी बेकार नहीं जाने देते ओम प्रकाश। वे उन किसानों के लिए प्रेरणादायक हैं जिनके पास बहुत छोटी जोत है। ओम प्रकाश अपने खेत में बेलदार सब्जियों का उत्पादन जमीन से ऊपर लेते हैं। खेत की क्यारियों की मेड़ पर बांस बलियां लगाकर बेलें ऊपर चढ़ा देते हैं। हरा पत्ता सुगंधित पत्ता सेलरी पत्ता ब्रोकली जैसी महंगी सब्जियों की उपज का हुनर ओम प्रकाश ने पिता से सीखा। उनके खेत में मार्च अप्रैल में पालक दिसंबर जनवरी में टिंडे और 12 मास पुदीना रहता है। वे खेत में पौध तैयार कर किसानों को बेचते हैं। उनकी नर्सरी में मिर्च गोभी टमाटर आदि की पौध तैयार की जाती है। इसके लिए वे प्लास्टिक की ट्रे में कोको पिट डालते हैं। प्रत्येक खाने में 1 या 2 बीज डालते हैं। ओम प्रकाश के मुताबिक कोको पिट ऐसा चूर्ण है जिसमें पौध अंकुरण शीघ्र होती है।